सियासी दलों की अग्नि परीक्षा पूर्वांचल में है। पहली बार हुआ होगा और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में ये पहली बार इस तरीके का प्रचार हुआ। जी ये बताइए कि कल अखिलेश यादव ने भी रोड शो किया, प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, क्योंकि आधी आबादी की बात होती है और अपर्णा यादव हमेशा इसको लेकर मुखर रहती हैं। मैं बस ये समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके जिस प्रकार से जन समर्थन है, जिस प्रकार का उनमें लोगों का क्रेज है और जिस प्रकार से वन ऑन वन कनेक्ट है उनका, कल भी हमने देखा कि रोड शो के बाद भी, इतना थकने के बाद भी वो गए और जो है पप्पू चाय वाले के पास चले गए, रेलवे स्टेशन चले गए, उन्होंने भ्रमण किया, चाय भी पी, लोगों से बातचीत भी करी। ये सिर्फ चाय पीना और ये वो बात नहीं है, इस देश में और भी प्रधानमंत्री रहे मगर इस तरीके की बात कभी किसी ने नहीं करी। एक गाना भी चल पड़ा है, चाय वाला नेता लागे हीरो बाकी सब। एक समय था जिस समय जो है लोगों की चाय विदेशों से आती थी और वो बड़ी महंगी होती थी, जब जितनी आय नहीं होती थी उतने की चाय पी जाते थे। तो आज हमें जो है बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सच में जननायक है, जो सब में जो है मिलजुल करके रहते हैं। आप गंगा में 80 घाट से लेकर 10 घाट मर करके राजघाट करते, मैसेज क्या देना चाह रही थी? भगवा लहर रहता, भगवा गुब्बारा, महिलाएं भारत माता की जय बोल रही थी। जननी का विचार जिस तरफ बनता है उस तरफ समाज का विचार बनता है और ये इसी चीज से परिलक्षित है कि जो है भारत माता की जय जो है गंगे माता में भी हो रही है। बहुत सारे लोग आप ही के, जो अखिलेश यादव की पत्नी, उन्होंने कह दिया भगवा का कलर जंग का कलर होता है। अब वो उन्होंने क्यों कहा ये उनसे पूछिए, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं भगवा में हूँ आज, मगर आप पूरे भगवा में। योगी जी ने कहा कि भगवा पर गर्व है। मुझे भी गर्व है बहुत, और जो है हर सनातनी को बहुत गर्व है भगवे पे। राष्ट्रहित में और राष्ट्र विरोधियों को जेल में डालने का काम भगवा ने किया है और भगवा हमेशा जो है लहराएगा, इसीलिए हम यूपी में फिर से भगवा लहरा रहे हैं। काशी शिव के लिए जाना जाता है, बिंदवासिनी शक्ति के लिए जाता है, यहाँ शिव और शक्ति का मिलन है। जी बिल्कुल है, ये तो सच बात है कि काशी में ही जो है सब कुछ है और जो है हर कंकड़ में जो है शंकर है, उस प्रकार जैसे हर गली में जो है मोदी है। अपर्णा जी, अपर्णा यादव क्या मैसेज देंगी आधी आबादी को, क्योंकि बहुत बड़ा रोल आधी आबादी का? बस मैं यही कहूंगी कि महिलाएं जो है सुव्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए और अपनी सारी योजनाएं हैं सुनियोजित तरीके से चलें, उसके लिए वोट करें। और एक ही बात मैं बोल रही हूँ बार बार कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और योगी जी हैं तो यकीन है। बुलडोजर पर क्या कहेंगे? योगी जी हैं तो यकीन है हम सभी को चलेगा बुलडोजर, बिल्कुल चलेगा। 10 मार्च तो कह रहे हैं कि 10 मार्च पे उन लोगों पे चलेगा जिन लोग जो अराजकता फैलाने का काम करेंगे और गरीबों की प्रॉपर्टी पे जिन्होंने जो है सामायिक रूप से जो है मकान दुकान जो भी बना रखा है उस पे योगी जी बुलडोजर चला। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी तो कह रहा है कि हिसाब किताब होगा, 6 महीने ट्रांसफर नहीं होगा। बच्चे हैं ऐसी बात जी से कह दिया, बच्चे हैं ऐसे बात कर देते हैं, पता नहीं क्यों करे, बच्चा है वो, मतलब कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए मुख्तार अंसारी को बच्चा कह दिया और कहा बच्चे हैं ऐसी बात करते हैं। और आपको दृश्य दिखाते हैं, देखिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये नजारा आप देखिए कि भारत माता का जय। और लगातार जो बात हो रही है, हमारे साथ पवन भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और अपर्णा भी है, तो हो सकता पवन क्या कहेंगे इस दृश्य को। देखिए अपर्णा यादव ने सही वक्त चुना, आज अंतिम दिन है प्रचार का और गंगा माँ के आंचल में जाकर के अपर्णा यादव ने नाव को सजा करके एक मैसेज देने का काम किया। हमारे साथ अनुज हैं, अनुज आप नाव को खे अपर्णा यादव पूरा खोल लो फ्रेम। अपर्णा यादव क्या मैसेज दे रही थी नाव से? मैं इधर आओ, काशी की बात की, गंगा की बात की, जिंदाबाद। इस बार हम प्रचंड बहुमत से आने वाले हैं। एक बात आप अजीत पूछ रहे थे कि मुख्तार अंसारी का बेटा जो कह रहा है कि हिसाब किताब होगा, तो क्या हिसाब किताब 10 तारीख के बाद अधिकारियों को रोक करके करेगा? अपर्णा यादव से आप सवाल पूछ रहे थे। बिल्कुल पवन, अपर्णा यादव ने सीधे तौर पर कहा कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनको राजनीति में बच्चा ही समझते हूँ और हमारा बुलडोजर चलता रहेगा। उन्होंने जब मैंने डिंपल यादव पर सवाल किया, जो इनकी बड़ी बाबू है, भाभी है, अखिलेश यादव की पत्नी है, वो भगवा कलर को जंग कहते हैं, तो उन्होंने कहा होगा लेकिन भगवा पूरे देश में फैल रहा, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है और बुलडोजर चलता रहेगा। देखिए खासतौर से अजीत, अपर्णा यादव यहाँ पे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष प्रचार कर रहा है। 4:30 बजे योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा,
प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह 4:30 बजे लखनऊ राजधानी मुख्यालय धर्मेंद्र प्रधान अनुराग ठाकुर करने जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, अनुराग ठाकुर रहेंगे चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद। अजीत क्या लगता है क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है लखनऊ में जब चुनाव प्रचार समाप्त होने के करीब होगा? तो देखिए बिल्कुल वो सारे सवालों का जवाब देंगे और योगी आदित्यनाथ को आपने सुना होगा, पवन अनुज आपने सुना होगा, हमेशा कहते हैं कि राजनीति में डिफेंस नहीं अफेंस, वो एक सेना की तरह काम करते हैं, एक कर्नल की तरह काम करते हैं कि हम अटैकिंग मूड में रहेंगे, दुश्मन को भागना हो तो भाग जाए। और आपने देखा होगा कि पिछले 3 दशकों में पहली बार उत्तर प्रदेश में सत्ता आक्रामक है और विपक्ष बचाव मुद्रा में, अभी भी अपना यादव हम तीनों चलते हैं एक साथ और दिखाते हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मेगा कवरेज, 3 रिपोर्टर हमारे तीन रिपोर्टर होंगे और अपना जी से बात होंगे, जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज होगी। और एक बार पीछे हट जाइए, रुक गई। भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से कितनी सीट ला रही है और आधी आबादी का रोल क्या है? मैं इस समय कोई नंबर नहीं बोलूंगी, पीछे लो हाँ, तीनों को लो फ्रेम, एक एक सवाल करते हैं। अनुज आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैडम अभी मैंने आपसे बात की थी और आपने एक बहुत शानदार श्लोक सुनाया था कि आप लाइव हैं, एक बार फिर सुना दीजिए जी न्यूज़ पर। मैं देखिए काशी विश्वनाथ में हूँ, काशी धाम में हूँ, तो शिव जी का ही श्लोक है, शिव जी का प्रार्थना है कि सौराष्ट्र सोमनाथम श्री शैलय मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकाल मंगलार मल्लेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चाटिंग शंकर सेतु बंदित रामेशम नागेशम द्वारका वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुशमीजम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन रा सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेत। हर हर महादेव। जब जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कॉन्क्लेव में आई थी और आपसे सवाल जवाब किए गए थे और इसलिए हमने जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमारे 3 रिपोर्टर ये मेगा कवरेज कर रहे हैं 80 घाट से। आप ये बताइए कि आपने हर हर महादेव कर दिया, हर हर गंगे कर दिया, तो जो और विपक्ष को किस तरह से आपने काशी में जवाब दिया है? जय श्री राम के नारे लगेंगे। आपके परिवार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि और राम गोपाल जी ने कहा कि अखिलेश आएंगे तो बहुत तेज मंदिर बनेगा, क्यों बार बार जो है बीजेपी कहती है कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे? देखिए मैं किसी की टिप्पणी पे कोई बात नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि स्वतंत्र देश है, अपनी तरफ से अभिव्यक्ति आदमी अपनी तरफ से ही करता है, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा राम जी का मंदिर बनवाने का मुद्दा उठाया और आज जो है जब उच्च न्यायालय ने इसका सब कुछ वो कर दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही संरक्षण में ये मंदिर बन रहा है। और क्या पूछेंगे? राम मंदिर बन रहा है, काशी का विस्तार हो गया, अब कहा जा रहा है कि मथुरा वृंदावन, अब हम लोग जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे शरण में जा करके श्री हरि का मंदिर बनवाएंगे, मथुरा का विस्तार करवाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि मैं अर्जुन हूँ, अखिलेश यादव कृष्ण है। उधर वो व्यक्ति है चाहिए उनका बयान उठा करके देख लीजिए वो क्या अर्जुन और क्या महाभारत और क्या कृष्ण की बात जानते होंगे। बिल्कुल अपर्णा जी, अब आप जा रही हैं चुनाव प्रचार में, अब हम लोग आपके इस बयान के बारे में आपस में बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत तस्वीरें दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे, अनुज और पवन भी हमारे साथ है, आइए। अनुज आप लगातार घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के 400 विधानसभा सीटों में।